तीसरे चरण की 17 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। खिजरी और कांके की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इस चरण में खिजरी में लगभग 64.28% मतदान हुआ, वहीं कांके में 62.83% मतदान हुआ। दोनों ही दलों ने बताया मतदान के बाद कड़ी सुरक्षा में ईवीएम को सील किया गया। झारखंड विधानसभा चुनाव का तीसरा चरण संपन्न होने के बाद सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम को कड़ी सुरक्षा में सील किया जा रहा है। खिजरी के बूथ का जायजा लिया संवाददाता विनीत उपाध्याय ने। मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है और अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 70% मतदाताओं ने खिजरी विधानसभा में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके लोकतंत्र की इस महापर्व में न सिर्फ लोकतंत्र को मजबूती दी है बल्कि एक नई सरकार, एक नए विधायक को चुनने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कड़ी सुरक्षा के बीच आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चुनाव अधिकारी लगातार लगे हुए थे कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव यहाँ पर सम्पन्न हो पाए, तो उनकी मेहनत का ये असर है कि शांतिपूर्ण मतदान अब संपन्न हो गया है। खिजरी विधानसभा से 14 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में हैं जिनके भाग्य का फैसला इन्हीं ईवीएम में कैद हुआ है और अब इन ईवीएम को सील करके स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा जहां पर 23 तारीख को मतदान होगा। उसके बाद यह तय होगा कि खिजरी का नया विधायक कौन होगा। अपने सहयोगी अभय के साथ विनीत उपाध्याय, खिजरी। झारखंड विधानसभा चुनाव के तीसरे फेज के सभी 17 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। आपको ये 8 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। वोटिंग को लेकर लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिला। इन 17 सीटों पर कुल 309 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 277 पुरुष और 32 महिला प्रत्याशी अपना किस्मत आजमा रहे हैं। इनकी किस्मत का फैसला 56,18,267 मतदाता करेंगे, जिनमें से 1,44,153 मतदाता फर्स्ट टाइम वोटर हैं। सभी 17 सीटों पर वोटिंग के लिए 7,016 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इनमें से 3,680 अति संवेदनशील और 1,662 संवेदनशील घोषित किए गए थे।